हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करी वो साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस चटनी है, जो काफ़ी आसान है बनाना, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आज आपको मन नहीं है सब्जी बनाने का, दाल बनाने का, तो इस चटनी के साथ आप गर्म चावल, इडली, डोसा खाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, इसमें हम लेंगे चना दाल, मोटे पीस में कटे हुए प्याज, इसे भी को अच्छे से सौटे कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम इमली, फ्रेश नारियल, सफ़ेद तिल, कड़ी पत्ता, मूंगफली के दाने और इन सभी को 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। भूनने के बाद डालेंगे मिक्सी जार में इन सभी को और पल्स मोड में एक बार हम इसे चला लेंगे। फिर हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। हाँ, साथ ही हम कुछ बेसिक सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जो कहना मैं भूल गई थी। इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसे बहुत ही बारीक से पीस लेंगे। पीसने के बाद कढ़ाई में लेंगे फिर से तेल और इसमें सारे पिसे हुए चटनी को डाल देंगे और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से तेल ना छोड़ दे। जब ये इस तरीके से तेल छोड़ दे तो हम इसे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। और जब भी आपको आलकस लगे सब्जी वगैरह बनाने में तो इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करके खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मा गर्म रोटी, इडली, डोसा के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये वीडियो यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको हर दिन नई वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।